बीकानेर यात्रा के दौरान प्रदेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। 614 करोड़ की शहरी जल प्रदाय योजना का शिलान्यास भी 24.45 करोड़ की लागत से बने कॉम्प्लेक्स का सीएम द्वारा शिलान्यास किया गया। सीएम गहलोत तय समय से कुछ पहले ही बीकानेर पहुंच गए। यहां महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में बने विशेष हेलीपैड पर उतरने के बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन करने पहुंचे। इसके बाद गहलोत ने इंडोर स्टेडियम और ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि हमने पिछले बजट कृषि को समर्पित किया था और अगला बजट यूथ और स्टूडेंट के लिए होगा। सरकार पहले से यूथ व स्टूडेंट के लिए काम कर रही है, लेकिन अगले बजट में यह काम बढ़ जाएंगे। नकल के मामले में भी गहलोत बोले। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों में नकल हो रही है, लेकिन नकल पर कानून हमने बनाया है। राज्य में नकल रोकने के लिए कई स्तर पर काम हो रहा है। नकल करने वालों पर एसओजी ने बहुत गंभीरता से कार्रवाई की है। इस मौके पर गहलोत ने प्रदेश के कई होनहार खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी। खिलाड़ियों को 3 से 9 लाख रुपए तक व्यक्तिगत रूप से दिए गए। यह खिलाड़ी देश व दुनिया में अपना नाम रोशन कर चुके हैं। इस मौके पर क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष व ओलंपियन खिलाड़ी कृष्णा पूनिया ने बताया कि राज्य के खिलाड़ियों को दी जाने वाली सहायता राशि 3 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। यह राशि अब 3 करोड़ रुपए तक कर दी गई है। इस समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के अलावा उप शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव व ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी भी शामिल रहे। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम पहली बार हुआ है। उन्होंने बताया कि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब 3000 स्कूल खुल गए हैं। आने वाले दिनों में यह संख्या और भी बढ़ा दी जाएगी। आरपीडी न्यूज राजस्थान बीकानेर जिले से बिरबल कड़वा की रिपोर्ट।